केबीथ इन द क्लास में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों में ध्वनि प्रदूषण और ताप प्रदूषण के कारण, दुष्प्रभाव और नियंत्रण के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले कि हम क्लास शुरू करें, एक लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा आई बटन में, जिसको क्लिक करके आप पर्यावरण का वर्गीकरण इस वीडियो के अंतर्गत पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको परिवात पर्यावरण के बारे में बताया था। परिवात पर्यावरण में दो टॉपिक्स थे, एक शोरगुल और एक तापमान। वहां मैंने आपको बताया था कि हम इसकी चर्चा पर्यावरण प्रदूषण टॉपिक पे करेंगे। आप इन दोनों ही वीडियो को आपस में कोरिलेट करके अध्ययन कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर आई बटन और उस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट शो हो रहा होगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ध्वनि प्रदूषण की। सामान्य रूप से ध्वनि या शोर का बढ़ जाना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। 85 डेसिबल से अधिक तीव्रता वाली जो भी ध्वनियां होती हैं, वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव की श्रवण क्षमता से अधिक तीव्रता वाली जो ध्वनियां हैं, उनका बढ़ जाना, ये ध्वनियां मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। तो ऐसी ध्वनियों का बढ़ जाना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण के कारणों की बात हम करें तो परिवहन के साधन जैसे बस, ट्रक, रेल, मोटरसाइकिल, वायुयान आदि के द्वारा जो शोर उत्पन्न होता है, उनके हॉर्न से, उनके इंजन से, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनों से बहुत तेज शोर उत्पन्न होता है, जो कि ध्वनि प्रदूषण का कारण है। जुलूसों, रैलियों, भाषणों और शादी विवाह में प्रयोग होने वाले लाउड स्पीकर, DJ, आतिशबाजी आदि ध्वनि प्रदूषण का स्रोत होते हैं। घरों में जोर जोर से बजने वाले रेडियो, टेलीविजन और गाने ध्वनि प्रदूषण का कारण है। विभिन्न प्रकार के विस्फोटक, पटाखे और आतिशबाजी भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। वायुयान, जेट विमान, रॉकेट आदि भी ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से आंधी, तूफान, तेज बारिश, बिजली का चमकना, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट आदि भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अब हम ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों पर चर्चा कर लेते हैं कि ध्वनि प्रदूषण से क्या हानियां होती हैं। श्रवण दोष, 90 डेसिबल से अधिक तीव्रता की जो भी ध्वनियां होती हैं, उनको सुनने से व्यक्ति में श्रवण दोष उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कम सुनाई देना, कान का सुन्न हो जाना, कान में सीटी की आवाज़ आना, बहरापन या कान का पर्दा फटना आदि। निंद्रा और विश्राम में बाधा, ध्वनि प्रदूषण से व्यक्ति की नींद और उसके आराम में बाधा उत्पन्न होती है। और जब व्यक्ति पूरी तरह से नींद नहीं ले पाता या उसके विश्राम में विघ्न पैदा होता है, तो उसके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाता है। शारीरिक एवं मानसिक दोष उत्पन्न होना, ध्वनि प्रदूषण से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अत्यधिक शोर से व्यक्ति के अंदर चिंता, मानसिक तनाव, नींद ना आना, बेचैनी, थकान, चक्कर आना, बहरापन, हाई ब्लड प्रेशर आदि हो सकते हैं। पाचक रसों में कमी, ध्वनि प्रदूषण से गैस्ट्रिक जूस और दूसरे जो भी डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, उनका फ्लो कम हो जाता है, यानी वो व्यक्ति में कम निकलते हैं। आक्रामक व्यवहार, ध्वनि प्रदूषण व्यक्ति के व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिसके कारण व्यक्ति का व्यवहार आक्रामक हो जाता है। क्रोध व झुंझलाहट, तीव्र और कर्कश शोर जो कि व्यक्ति को इतना अप्रिय होता है कि व्यक्ति के अंदर क्रोध और झुंझलाहट होने लगती है। निष्पादन में कमी, अधिक शोर के कारण व्यक्ति अपना ध्यान अपने काम में फोकस नहीं कर पाता, जिससे उसकी कार्यकुशलता में कमी आती है और उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। समायोजन की समस्या, ध्वनि प्रदूषण के कारण व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण से एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। गलतियों की अधिक संभावना, अधिक शोरगुल के कारण व्यक्ति की दिनचर्या प्रभावित होती है और व्यक्ति और दिनों की अपेक्षा शोरगुल वाले दिन ज़्यादा गलतियाँ और भूलें करता है। गलतियों की अधिक संभावना, अधिक शोरगुल के कारण व्यक्ति की दिनचर्या प्रभावित होती है और व्यक्ति विभिन्न प्रकार की गलतियां और भूलें अधिक मात्रा में करने लगता है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक व्यवहार में परिवर्तन,
ध्वनि प्रदूषण के कारण व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसका सामाजिक व्यवहार सोशल बिहेवियर उसका खराब हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति आक्रामक होता है, छोटी छोटी बातों में झुंझलाता है, गुस्सा करता है, तो निश्चित रूप से जो भी समाज के दूसरे लोग हैं उनके साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं हो पाता। ध्वनि प्रदूषण के मानव व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसको जानने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न अध्ययन किए हैं। हम उन अध्ययनों की यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ब्लम और एजरीन ने अपने अध्ययन में पाया कि तेज शोरगुल व्यक्ति में तनाव और स्ट्रेस उत्पन्न करता है। हालांकि जो लोग शोरगुल वातावरण में लगातार रहते हैं वो इसके हैबिचुअल हो जाते हैं, इसके अभ्यस्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इसके दूरगामी प्रभाव घातक होते हैं। ग्लास और सिंगर ने अपने अध्ययन में पाया कि शोरगुल वाले वातावरण में जो लोग रहते हैं वो अधिक बहरे या ऊँचा सुनने वाले हो जाते हैं। कोहिन और लेजॉक ने अपने अध्ययन में पाया कि शोरगुल वाले वातावरण में व्यक्ति का अटेंशन प्रभावित होता है, यानी उसका जो ध्यान होता है वो प्रभावित होता है, वो चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाता, चाहे पढ़ाई लिखाई हो या दूसरे और काम हो। ग्लास और सिंगर ने अपने एक अध्ययन में पाया कि शोरगुल वाले वातावरण में प्रयोज्य का जो परफॉर्मेंस होता है उसमें वो ज़्यादा गलतियाँ करता है। ग्रीन और ओनील ने अपने अध्ययन में पाया कि शोरगुल वाले वातावरण में आक्रामकता की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। पेज और वीनर ने एक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने पाया कि अनियंत्रित और अप्रत्याशित शोरगुल वाले क्षेत्र, जैसे हवाई अड्डे के पास, रेल की पटरी के किनारे रहने वाले, या बहुत तेज आवाज़ वाले जो उद्योग होते हैं उनमें काम करने वाले व्यक्ति जो होते हैं उन पर इस शोर का बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। उनमें ब्लड प्रेशर, पक्षाघात, इसके अलावा मानसिक रोगों का घटनाक्रम अधिक देखने में आता है। मैथ्यूज़ और कैनन ने अध्ययनों से ये सिद्ध किया कि शोरगुल वाले वातावरण में व्यक्ति के परोपकारी व्यवहार में कमी आ जाती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय: कारखानों और औद्योगिक संस्थानों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में उच्च ध्वनि वाले लाउड स्पीकरों पर प्रतिबंध होना चाहिए। वाहनों की ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए जो भी उपाय कर सकते हैं वो सारे तकनीकी उपाय अपनाए जाने चाहिए। वाहनों में ऊंची ध्वनि वाले हॉर्न नहीं लगाए जाने चाहिए। औद्योगिक शोर को कम करने के लिए जहाँ तक संभव हो साइलेंसर लगाए जाने चाहिए। इसके अलावा मकानों को अधिक से अधिक ध्वनि रोधक बनाया जाना चाहिए। घरों में रेडियो, टीवी, म्यूजिक सिस्टम आदि की आवाज़ धीमी रखनी चाहिए। जुलूस एवं आंदोलन शांतिपूर्ण होने चाहिए। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ताप प्रदूषण की। ताप प्रदूषण का आशय है वातावरण के तापमान का असामान्य रूप से बढ़ जाना। जब किसी जल निकाय यानी वाटर बॉडीज और वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है तो तापमान में ये जो एकाएक और तीव्र गति का परिवर्तन होता है ये ताप प्रदूषण कहलाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, कहीं पर 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट भी बताया गया है, तो ये एक सामान्य टेम्परेचर होता है। मनुष्य के शारीरिक तापमान को ध्यान में रखते हुए वातावरण का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस यानी 37 से 38 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल माना जाता है, यानी इस प्रकार के तापमान में व्यक्ति आसानी से रह लेता है। अगर मानव शरीर का तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ जाता है तो इस स्थिति को बुखार कहते हैं, और ये जो 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर का बढ़ना होता है हम कितने बेचैन हो जाते हैं, बेचैनी का अनुभव करते हैं। अगर वातावरण में भी ये 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए तो इससे क्या होगा, इसका प्रभाव जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उन पर नेगेटिव पड़ेगा यानी नकारात्मक पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र का तापमान अगर एकाएक काफ़ी बढ़ जाए तो उसे ताप प्रदूषण माना जाएगा। लेकिन यहाँ ये बात भी ध्यान देने लायक है कि किसी भी क्षेत्र का तापमान अगर सामान्य रूप से अधिक रहता है तो वहाँ के जो निवासी हैं उस टेम्परेचर में रहने के हैबिचुअल हो जाते हैं। जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ टेम्परेचर हमेशा साल भर ज़्यादा रहता है, जैसे उष्णकटिबंध हो गए भारत में, राजस्थान या जो एरियाज होते हैं यहाँ टेम्परेचर हमेशा दिन के समय हाई रहता है, तो वहाँ के
लोग उस टेम्परेचर में रहने के हैबिचुअल होते हैं, वो तापमान उन लोग के लिए ताप प्रदूषण नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर किसी स्थान का तापमान एकाएक बढ़ जाए, जैसे मान लीजिए कहीं टेम्परेचर नॉर्मली 10 डिग्री रहता है और वहां का टेम्परेचर अचानक से 12 या 15 डिग्री हो जाए, तो वो ताप प्रदूषण के अंतर्गत आएगा। ताप प्रदूषण के कारण क्या क्या है? विभिन्न प्रकार के औद्योगिक इकाइयों में कूलिंग के लिए जल का प्रयोग किया जाता है, यानी जो प्रोसेसिंग होती है, जो भी प्रोडक्शन वहाँ पर होता है, चाहे कपड़ा बनाना हो या विभिन्न प्रकार के मेटल से संबंधित कारखाने हैं, कागज़ बनाना है, जो भी विभिन्न प्रकार के कारखाने होते हैं, उनमें प्रोसेसिंग के लिए जो कूलिंग की जाती है उसके लिए जल का प्रयोग किया जाता है। इससे जल काफ़ी मात्रा में गर्म हो जाता है और इस गर्म जल को, क्योंकि वो उनके लिए वेस्टेज होती है, उसको वो किसी न किसी वाटर बॉडीज़ में छोड़ देते हैं, जैसे कोई नदी है, तालाब है, झील है, उसमें छोड़ देते हैं। तो इसके कारण उस वाटर बॉडीज़ यानी जल स्रोत का तापमान काफ़ी बदल जाता है, एकाएक इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसके संपर्क में जो हवा आती है उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, जिससे टोटल उस एरिया का तापमान बदल जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कोयला दहन बिजली संयंत्र ताप प्रदूषण के बड़े स्रोत हैं। वनाग्नि यानी जंगल में लगने वाली आग और ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक घटनाएं तापमान में वृद्धि का कारण हैं। औद्योगिक कचरा और अपवाह जल में छोड़ दिया जाता है, जिससे जल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कूलिंग टावर से गिरने वाला गर्म जल ताप प्रदूषण का कारण है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्य से प्राप्त अधिक ऊष्मा तापमान वृद्धि का कारण है। जंगलों को काटा जाना तापमान वृद्धि का एक कारण है, क्योंकि जंगल यानी पेड़ पौधे वातावरण को ठंडा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ताप प्रदूषण का मानव व्यवहार पर प्रभाव। ताप प्रदूषण का पेड़ पौधों, जीव जंतुओं सभी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उनकी जैविक क्रियाएं प्रभावित होती हैं। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती का टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री बढ़ जाना, और लगभग हर साल कुछ न कुछ टेम्परेचर में वृद्धि होती रहती है। ये आप सब भी महसूस करते होंगे कि पिछले 10 सालों में तापमान में वृद्धि हुई है, यहाँ तक कि सर्दियाँ भी सिकुड़कर कुछ महीनों की रह गई हैं। पहले नवंबर में सर्दी पड़ने लगती थी हल्की हल्की, अब दिसंबर में भी कम सर्दी पड़ती है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण ग्लेशियर्स का पिघलना, ये भी ताप प्रदूषण का प्रभाव है, परिणाम है। प्राकृतिक आपदाएं आना, महामारियां आना, ये सब ताप प्रदूषण का प्रभाव है। लेकिन हम यहाँ विशेष रूप से मानव व्यवहार पर ताप प्रदूषण के पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर पर तापमान वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। ताप प्रदूषण का व्यक्ति के शरीर और उसके व्यवहार दोनों पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। तापमान में वृद्धि का व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के शरीर में मेटाबॉलिज्म का गड़बड़ होना, सांस और फेफड़े के रोग, घबराहट, बेचैनी, चक्कर आना, त्वचा के रोग आदि उत्पन्न होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। तापमान बढ़ने से व्यक्ति मस्तिष्क और उसके नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है, जिससे उसका मानसिक संतुलन कम हो जाता है और वो तनावग्रस्त, कुंठित और क्रोधित हो जाता है। स्वभाव में आक्रामकता। तापमान में वृद्धि व्यक्ति को आक्रामक बना देती है, जिससे व्यक्ति बेचैनी, क्रोध, अग्रेशन की प्रवृत्ति व्यक्ति में बढ़ती है। सामान्य से अधिक ताप व्यक्ति में हिंसात्मक स्वभाव को बढ़ा देता है। कार्य निष्पादन पर प्रभाव। अधिक तापमान में व्यक्ति के परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है। अधिक तापमान लोगों में मानसिक तनाव और अग्रेशन का कारण होता है, जिससे व्यक्ति के कार्यस्थल पर अन्य लोगों से झगड़े होना, हिंसा और नोकझोंक का बढ़ना आदि होता है, और साथ ही साथ इन सब चीज़ों का सीधा प्रभाव उसके परफॉर्मेंस पर पड़ता है। समायोजन की समस्या। तापमान में वृद्धि के कारण व्यक्ति को अधिक शारीरिक और मानसिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जिससे व्यक्ति अपने समाज से सामंजस्य यानी कि एडजस्टमेंट स्थापित नहीं कर पाता। आपराधिक मनोवृत्तियों में वृद्धि। तापमान वृद्धि के कारण मानसिक उग्रता और तनाव बढ़ता है, जो व्यक्ति में आपराधिक मनोवृत्तियों को जन्म देता है और व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो सकता है। सामाजिक व्यवहार में असंतुलन की समस्या। तापमान में वृद्धि के कारण व्यक्ति उग्र स्वभाव और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने सामाजिक व्यवहार से संतुलन नहीं बना पाता। साधारण बातों को लेकर झगड़े बढ़ जाते हैं और व्यक्ति के परोपकारी और सहयोगात्मक व्यवहार में कमी आ जाती है। आत्महत्याओं की दर में वृद्धि।
अधिक तापमान व्यक्ति में मेंटल टेंशन और अग्रेशन बढ़ाता है, जिससे आत्महत्याओं के दर में वृद्धि होती है। ताप प्रदूषण का मानव व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जानने के लिए कुछ अध्ययन किए गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। अरस्तु ने लगभग 2000 साल पहले ये बताया था कि वातावरण का व्यक्ति के स्वभाव पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उनका ये मानना था कि अधिक गर्म जलवायु, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, वहाँ के लोग बुद्धिमान तो होते हैं लेकिन आलसी होते हैं, सुस्त और निष्क्रिय होते हैं। लेकिन जहाँ टेम्परेचर कम होता है, जो ठंडी जलवायु वाले लोग होते हैं, वहाँ पर मनुष्य मेहनती होता है, कर्मठ होता है, लेकिन उनमें बौद्धिक प्रखरता की कमी होती है। जंगलों की कटाई, औद्योगिकरण और सूरज का तापमान बढ़ने से पर्यावरण के तापमान में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जिससे व्यक्ति का व्यवहार बहुत प्रभावित होता है। पर्यावरण का तापमान और ह्यूमिडिटी शरीर में एक चिपचिपा पसीना उत्पन्न करते हैं, जिससे व्यक्ति में स्ट्रेस उत्पन्न होता है। मैक कार्मिक ने अलग अलग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वाले वातावरण में मजदूरों से काम करवाया। इसमें उन्होंने देखा कि जब 10% आर्द्रता होती है तो 104 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर में भी मजदूर काम करते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब ह्यूमिडिटी 80% होती है तब केवल 95 डिग्री टेम्परेचर में भी श्रमिकों को बहुत ज़्यादा बेचैनी और गर्मी महसूस होने लगती है। तो उन्होंने इस परीक्षण से ये स्पष्ट किया, ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ साथ परेशानी बढ़ती है और कार्यक्षमता घट जाती है। कुरानसन तथा किंग और कार्ल तथा एंडरसन ने अपने अध्ययनों में देखा कि दिन जितना ज़्यादा बड़ा और गर्म होता है, दंगे फसाद होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि गर्मी जो होती है व्यक्ति में अग्रेशन उत्पन्न करती है, आक्रामकता उत्पन्न करती है। ग्रिफिथ तथा वेच ने अपने प्रयोग में देखा कि जैसे जैसे कमरे का टेम्परेचर बढ़ाया गया, वैसे वैसे प्रयोज्य की आक्रामकता में भी वृद्धि हुई। एंडरसन ने अपने अध्ययन में पाया कि जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है, चौराहे पर रुकने वाली गाड़ियों के चालक ज़्यादा हॉर्न जाकर आक्रामकता का प्रदर्शन करते हैं। पेपलर और वेंसल ने अपने अध्ययन में पाया कि तापमान में वृद्धि के साथ सैनिकों के परफॉर्मेंस और स्कूली बच्चों के शैक्षिक निष्पादन में, यानी एजुकेशनल परफॉर्मेंस में गिरावट आती है। बेनेट और उनके साथियों ने अपने अध्ययनों में पाया कि जब तापमान अधिक होता है तब आक्रामकता बढ़ती है और परोपकारी व्यवहार में कमी आती है। इसके ठीक अपोजिट, जब तापमान कम होता है तब आक्रामकता में कमी आती है और परोपकारी व्यवहार बढ़ता है। थॉमसन ने अपने अध्ययनों में सिद्ध किया कि तापमान और आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी बढ़ने पर आत्महत्या के केसेस में वृद्धि होती है। अब हम ताप प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा कर लेते हैं। उद्योगों के द्वारा जो भी गर्म जल विसर्जित किया जाता है, उसको किसी भी जल स्रोत में छोड़ने से पहले विभिन्न तकनीकों से ठंडा किया जा सकता है, क्योंकि गर्म जल पानी के जो जल स्रोत है उसके टेम्परेचर को एकदम से इंक्रीज कर देता है, जिससे उसमें रहने वाले जलीय जीव जो होते हैं, पूरा जैविक क्रियाएं चेंज हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, इकोसिस्टम प्रभावित होता है। उद्योगों द्वारा जो भी गर्म जल छोड़ा जाता है उसको पहले ठंडा कर दिया जाए, गर्म गर्म न छोड़ा जाए। कृत्रिम शीतलन कुंडों या तालाबों का उपयोग किया जा सकता है उस पानी को ठंडा करने के लिए। कोजेनरेशन, इस प्रक्रिया में औद्योगिक जल अपवाह को ठंडा करके घरेलू उपयोगों में लाया जा सकता है। नाभिकीय संयंत्रों पर नियंत्रण, क्योंकि नाभिकीय संयंत्र जो होते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स जो होते हैं, वो तापमान वृद्धि के बहुत बड़े कारण होते हैं। ताप को सीधे विद्युत में परिवर्तित करके, कूलिंग टावर्स, ये वेस्ट ऊर्जा जो व्यर्थ ऊर्जा होती है उसको वायुमंडल में वाष्प के माध्यम से धीरे धीरे छोड़ते हैं, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। तटीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना, क्योंकि वृक्ष जो होते हैं वो वातावरण को ठंडा रखने में मदद करते हैं, तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण। इसके अलावा तापीय प्रदूषण को कम करने के लिए गर्म जल का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में किया जा सकता है, जैसे भवनों को गर्म करने में, सर्दी के दिनों में जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको गर्म करने के लिए इस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, स्विमिंग पूल को गर्म करने में, समुद्री जल से नमक बनाने में और एक्वाकल्चर में। आज की क्लास में हमने ध्वनि प्रदूषण और ताप प्रदूषण के कारण, उनके प्रभाव और उनको नियंत्रित करने के उपायों का अध्ययन किया। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।